के न्यूज़ खबरों की नई पहचान। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़, मैं हूं नफीसा। खबरों पर जाने से पहले डालते हैं आज की हेडलाइंस पर एक नजर। धनबाद समाहरणालय में शहीद शशिकांत पांडे के परिजनों को सौंपा गया एक एकड़ जमीन का कागजात। झारखंड में भूख से नहीं होगी किसी की मौत, कहा मंत्री सरयू राय। धनबाद में लगातार इनकम टैक्स का छापा पड़ने से बड़े कारोबारियों में मची खलबली। और अंत में, नशे में वाहन चलाते हैं ऑटो चालक, सड़क दुर्घटना के बाद खुली कोर्ट। पुलिस ने ऑटो से शराब की बोतल की जब्त, चालक हुआ। शहीद शशिकांत पांडे के परिजनों को धनबाद समाहरणालय में एक एकड़ जमीन का पट्टा सौंपा गया। उपायुक्त ए डोड्डे एवं सांसद पीएन सिंह द्वारा शहीद के माता पिता को जमीन के कागजात सौंपे गए। धनबाद के बलियापुर प्रखंड के निचितपुर मौजा में यह एक एकड़ जमीन शहीद के परिजनों को दिया गया है। मौके पर मौजूद सांसद पीएन सिंह ने कहा कि शहीदों की वीर गति का कीमत तो नहीं दे सकते हैं, यह राज्य सरकार की ओर से एक छोटी सी सहानुभूति है। शहीद के परिजन को नौकरी नहीं दिए जाने को लेकर सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है, जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा। वहीं शहीद शशिकांत के माता पिता ने कहा कि हमें गर्व है अपने बेटे पर, जो देश के लिए अपनी जान निछावर कर दिया। इस संदर्भ में आपको बताते चलें कि विधानसभा स्थापना दिवस के मौके पर बुधवार को कई लोग सम्मानित किए गए, जिनमें जोड़ा पोखर के जेल गोरा निवासी शहीद शशिकांत पांडे की मां ललिता देवी को मंत्री सरजू राय ने सम्मानित किया था। शहीद शशिकांत पांडे जी को राज्य सरकार ने सम्मान स्वरूप, वह जान रहे हैं कि जिस दिन उनका अंतिम संस्कार होने के बाद के दिन ही 10 लाख नगद राशि दान दिया गया, और आज एक एकड़ जमीन बलियापुर में तिरक रोड उसका पट्टा माता श्री और दर्शन को दिया गया। यह जो इसका कोई कीमत नहीं दे सकता, अमर शहीदों का कीमत कोई नहीं दे सकता, लेकिन सम्मान देने का काम राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार को इसके लिए मैं बधाई देता हूँ, क्योंकि एक मामला और है जिसके बारे में बातचीत चल रही है। नौकरी की मांग हुई थी इनकी बहन शशिकांत, एक सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का मुख्यमंत्री जी ने कहा है, और हमें उम्मीद है कि वो भी पूरा होगा। चला गया,
सरकार ने मैंने बरसे से पहले ही जमीन के वादे पूरा करके सदाजी दी है, लेकिन एक वादा अभी भी वो पूरा नहीं किया, नौकरी देने का जो उनकी बात है सर, वो भी बातचीत हुआ सर, कल बातचीत की सचिव जी से बोले, सचिव जी हमको बोले कि इस महीने के अंदर आपका कागज चला जाएगा। धन्यवाद। झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी PDS व्यवस्था से गरीबों को आसानी से खाद्य सामग्री मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। उक्त बातें गुरुवार को झारखंड के खाद्य आपूर्ति एवं संसदीय कार्य मंत्री सरजू राय ने धनबाद परिसदन में पत्रकारों से कही। सरजू राय ने कहा कि सिमडेगा में संतोषी की हुई मौत की जाँच केंद्र सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि किसी की भी मौत भूख से न हो, इसके लिए PDS दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जिन लोगों के राशन कार्ड नहीं बने हैं उनके भी राशन कार्ड जल्द बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। आइए सुनते हैं मंत्री सरजू राय ने के न्यूज से क्या कहा। दूसरे राज्यों में जो हो रहा है उसको देख रही है, उसको देख के हमारे मुख्यमंत्री को अधिकारियों को जो निर्णय लगा लेना चाहिए जो उचित समझे। मैं अपनी तरफ से नहीं कहूँगा कि क्या निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि समाज का मामला है, एक समाज विशेष प्रभावित है, तो उसके प्रतिनिधि आ गए हैं, इसमें सारे के सारे लोग आगे आकर उसमें बोल रहे हैं। हम भी उसमें दो चम्मच घी डाल दें तो कोई उपयुक्त नहीं है। एक ये मैंने इस समाज ही नहीं के इस धर्म के प्रति, अभी एक और फिल्म देखा होंगे उसको लेकर भी, गोवा फिल्म फेस्टिवल में भी ये भी था। हाँ, इसको भी केरल में रिलीज किया है, सेक्सी दुर्गा जो है उसमें ये भी था, पद्मावती, दोनों को रोका गया था जो। हाँ, यहाँ एक तो कुछ प्रवृत्तियाँ ऐसी हैं जो हमारा समाज है, हिंदू समाज, वो थोड़ा बहुत अधिक लिबरल है, स्वयं भी आलोचना करता है। यहाँ अलग अलग पंथ हैं, वैष्णव हैं, साहेब हैं, शाक्य हैं, सब कई कई लोग हैं, करते हैं, मगर इसका दुरुपयोग कोई नहीं करे ये जरूर होना चाहिए। दूसरे धर्म हैं जिन तहसील है, वह चाहता है कि किसी के विचार में कोई कमी है तो उसको उपयुक्त तरीके से वो खुद दूर करे, दूर करने का प्रयास किया जाए। ये तो विशेषता हम लोगों की है, मगर ये विशेषता को धीरे धीरे कुछ लोग कमजोरी मानने लगे, तो ये नहीं मानना चाहिए कि हमारी विशेषता है, ये हमारी कमजोरी नहीं है। इसमें कि हम लोग अब कोई भी चीज़ एवरेज में नहीं करेंगे, एक एक के हिसाब से करेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन किया जा रहा है, जो ऑनलाइन करने योग्य नहीं है कोई ना कोई मदद करे, उसका करा दे, प्रज्ञा केंद्र करा दे, किसी पास स्मार्टफोन होगा वो करा दे, सरकार के पास ऑनलाइन पूरा रिकॉर्ड आ गया, अब उसका वेरीफिकेशन होगा, जाँच होगा, और जांच करके कई बार पाया गया है कि जिसका पहले है वो भी अपने परिवार के तीन आदमी का एक हेड बना के दे दिया आवेदन, जो लाचार है सर, तो जांच करेंगे, जो लाचार है उसके बारे में तो स्पेशल है। हम तो सरकार को, सरकार के पास मैंने एक प्रस्ताव दिया है कि जितने प्रखंड हमारे कार्यालय हैं उनके पास आप 10 क्विंटल अनाज रख दीजिए, जो कोई इस तरह का केस आता है तो वहाँ से उनको दे दिया जाए, और मैं कोशिश करूँगा कि सरकार इस पर कार्रवाई करे। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। के न्यूज जल्द ही नए तेवर नए अंदाज में, जल्द ही आप देखेंगे 24 घंटे। अब रहेगी हमारी नज़र कोयलांचल की हर खबरों पर, आवश्यकता अनुभवी वीडियो एडिटर, न्यूज एंकर, रिपोर्टर और मार्केटिंग प्रतिनिधि। मिलने का समय रविवार 11 बजे से 2 बजे तक। हमारा पता है 4x4 4th floor आस्था तारा मेंशन, पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल, धनबाद, झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। मोबाइल रिपेयरिंग में है अच्छी कमाई, आज सीखें कल कमाएं। जब मोबाइल हो नई तकनीक का तो पुरानी तकनीक से कैसे बनेगा। चाइनीज टेक्नोलॉजी से मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखें। डिस्काउंट ऑफर, एडमिशन ओपन, डेमो क्लासेस ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, टाइम 9 AM। जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल या मिस्ड कॉल 07079955520। हमारा पता है टी केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अनिला मेंशन, फर्स्ट फ्लोर,
भूस बंगलो नियर शालीमार बालू डोली झरिया सिंदरी रोड धनबाद। आपके शहर जामाडोबा रमजानपुर में सजा है बाबा सुहेल साबरी का दरबार। खानकाहे साबिरिया दरबार में मन्नतें होती हैं पूरी, दुआ और दवा से होती है रूहानी व जिस्मानी इलाज। अगर आप भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से है परेशान तो उसका है मुकम्मल समाधान, एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है बाबा सुहेल साबरी चिश्ती, खानकाहे साबिरिया जामाडोबा रमजानपुर धनबाद झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9955487549 और 8271630505। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा व दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आएं प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 4th floor आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। धनबाद में लगातार इनकम टैक्स का छापा पड़ने से बड़े कारोबारियों में खलबली का माहौल है। इस बार निशाना बने धनबाद के 4 बिल्डर, दर्जन भर बैंक खाते फ्रीज किए गए, भारी कर वंचना का मामला सामने आया है। जिनके यहाँ इनकम टैक्स का सर्वे हुआ उनकी कंपनी के नाम है हीरापुर अजंता पाड़ा के पायोनियर इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक संजीव रंजन, अजंता पाड़ा के ही शुभम मल्टी प्राइवेट लिमिटेड, निदेशक प्रेम कुमार सिंह और संगीता सिंह, बिग बाजार स्थित कृष्णा टावर के यूएस हाउसिंग निदेशक संजय रंजन और इसले तथा सिटी सेंटर स्थित माधुरी पैलेस स्मृति मल्टी कॉम्प प्राइवेट लिमिटेड का टीवी वाला भी है। जितना भी आदमी आते हैं सब बोलते हैं वही कि 30 से 40 जहाँ भी जाते हैं सब बोलते हैं वकील साहब कहाँ है। जांच जारी। इक्कीस नवंबर को धनबाद में 4 वर्ष की मासूम के साथ दुष्कर्म व हत्या, साथ ही उसकी मां की भी हत्या किए जाने के सनसनीखेज मामले में धनबाद पुलिस ने हत्यारे को गिरफ्तार कर इस कांड का उद्भेदन कर दिया है। धनबाद के ग्रामीण एसपी आशुतोष शेखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हत्यारा मंटू, जो धनबाद के गोनूडी का ही रहने वाला है, पहले तो मंटू ने पुलिस के समक्ष झूठी कहानियां बयां की, लेकिन पुलिस द्वारा सख्ती से निपटे जाने पर हत्या के पीछे की पूरी कहानी का पर्दाफाश हुआ। मंटू और हत्या हुई महिला के साथ पहले से हत्या की रात मंटू महिला के घर पर ही था और दोनों ने बैठकर एक साथ शराब पी। दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक नोक हुई। नोक नोक के दौरान ही बगल के कमरे में महिला की 4 साल की बेटी भी सोई हुई थी। मंटू ने उसका गला दबाना चाहा, लेकिन बच्ची के विरोध करने पर मंटू ने उसके साथ दुष्कर्म कर दिया। इसके बाद ज्यादा खून बहने के कारण मौत हत्या के बाद दोनों शवों को मंटू द्वारा ही आसपास ठिकाने लगा दिया गया। ठीक है, ठीक है, वहीं पे आगे हो। कारण ही बच्ची की मौत हुई इस बात की पुष्टि ने क्या कहा। केंदुआड़ी थाना अंतर्गत गोंदूडी ओपी में एक हत्या का कांड प्रतिवेदित हुआ था दिनांक 21/11/17 को, जिसमें एक महिला और उनकी पुत्री की लाश बरामद हुई थी। 24 घंटे के अंदर धनबाद पुलिस ने उस कांड का उद्भेदन किया है। इसमें मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था, पुलिस निरीक्षक केंदुआड़ी अंचल, थाना प्रभारी गोंदूडी ओपी एवं थाना प्रभारी भूली ओपी ने प्रमुख भूमिका निभाई है। इन दोनों के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात आई थी कि जो महिला थी उनकी हत्या गला दबाकर की गई थी और
जो बच्ची थी उसके साथ दुराचार किया गया और दुराचार में जो हेमरेज हुआ उसकी वजह से रक्त रिसाव हुआ और उसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। 24 घंटे के अंदर सभी पदाधिकारियों ने मिलकर काम किया और इस कांड का उद्भेदन हुआ। इस कांड को कारित करने का मुख्य आरोपी मंटू दास है, जो कि दास टोला छोटी खेरकाबाद कुसुंडा गोंदूडी ओपी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का निवासी है और जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है। इसने अपने स्वीकारोक्ति बयान में इस पूरे घटनाक्रम को स्वीकारा है कि इसने किस तरह से महिला की हत्या की और उसके बाद उस बच्ची के साथ रेप किया और जिसकी वजह से उस बच्ची का रक्त रिसाव हुआ और फलस्वरूप उस बच्ची की मृत्यु हो गई। रात में फिर अंधेरे का फायदा उठाकर इसने अपने घर से दोनों लाशों को घर के पास ही फेंका। चूंकि ये अकेला इस घटनाक्रम में इन्वॉल्व था, इसलिए इनकी लाशों को बहुत दूर तक ले जाके फेंकने में सक्षम नहीं रहा। कुल कितने आरोपी थे इसमें? ये केवल सिंगल आरोपी है। लेकिन इसमें अन्य चार लोगों का नाम भी बताया कि इसमें शामिल थे। वो एक कहानी वो बना रहा था, हम लोगों ने पूछताछ के लिए चारों लोगों को बुलाया, लेकिन पूरी तरह से पूछताछ करने में फिर बाद में इस घटनाक्रम का खुलासा हुआ कि इसने पूरी घटना को अकेले ही अंजाम दिया। मकसद कुछ नहीं था, उस महिला को ये पहले से जानता था। महिला भी कभी कभी इसके साथ शराब का सेवन करती थी और उसी के लिए महिला को ये अपने घर पे लेके आया। दोनों ने साथ में शराब पी, उसके बाद महिला उसी के घर में सो रही थी, तभी इसको मौका मिला और इसने लड़की के साथ दुराचार करने का प्रयास किया। दुराचार किया। दुराचार का विरोध की वो महिला? नहीं, महिला को पहले मार चुका था। उसके बाद महिला के साथ इसकी कोई बहस हुई पैसे को लेकर, जिसमें इसने कोशिश किया, महिला ने चिल्लाने की कोशिश की तो इसने उसका मुंह बंद करने की कोशिश की और उसी घटनाक्रम में उसने उसका गला दबा दिया, जिससे महिला की मृत्यु हो गई। जिसको देखकर बच्ची उठ गई और रोने लगी, तब इसने बच्ची को चुप कराने के लिए बच्ची का गला दबाने की का प्रयास किया और उसी घटनाक्रम में फिर बच्ची के साथ दुराचार भी किया और फलस्वरूप बच्ची की मृत्यु हो गई। ऐसे सिलेंटी कॉलेज में एसिड अटैक और छिड़खानी पर आधारित नुक्कड़ नाटक का मंचन किया गया। बीएड की छात्राओं ने नाटक में मुख्य रूप से परेशानी, प्रभाव और घटना होने की वजह को दर्शाया, जिसे आप भी देखें। मौके पर कॉलेज की प्राचार्य समेत कॉलेज के शिक्षक व छात्राएं मौजूद थी। घर की है वो एक रानी, उसे मैं ताकता हूँ। ए भाई, देख ना भाभी आ रही है। बस हुआ इंतजार। क्या हुआ बेटी, अभी क्यों रात क्यों है? माँ आज हमें रास्ते से आ रही थी तो एक लड़की, तो मेरी ना हो सकी तो किसी और की भी ना हो पाएगी। ये ले, क्योंकि वे लड़कों से बात करने और शादी करने से मना कर देती है। आइए अब हम देखते हैं कि कैसे उसके माता पिता उसे अस्पताल की ओर ले जाते हैं। ये एक पुलिस केस है, आप पहले जाके पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाइए, उसके बाद उसका इलाज मुमकिन है। डॉक्टर साहब, दर्द से तड़प रही है, आप पहले इलाज तो कीजिए। मैंने कहा ना, ये एक पुलिस केस है, आप पहले रिपोर्ट लिखवाइए, उसके बाद काउंटर पे पैसे जमा कीजिए, उसके बाद ही इलाज होगा। आप चिंता मत कीजिए। अच्छा वो रानी, कभी ना कभी तो तुझे इस दुनिया का सामना करना पड़ेगा ना। नहीं ना, मैं बाहर नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है, मैं बाहर कभी नहीं जाऊंगी। नहीं, तुम्हें बाहर जाना पड़ेगा, तुम बाहर जाओ, जाकर दुनिया का सामना करो, तुम इतनी कमजोर नहीं बन सकती हो। ठीक है मैं बाहर जाऊंगी और दुनिया का सामना कभी नहीं। सही किया दुश्वार, क्यों हर गली हर नुक्कड़ पे है, क्यों न्याय के दरवाजे बंद है, क्यों बेसहारा को सहारा दे, ऐसे इंसान चंद क्यों है। ना जुल्म होने देंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म होने देंगे, ना जुल्म सहेंगे, ना जुल्म होने देंगे। और बोली बोली ना, फिर अगले वीक में ना एक और
आज हम लोग का ये जो एसिड अटैक पे नुक्कड़ नाटक हम लोगों ने जो किया, इसके थ्रू हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि अगर लड़की अपने अधिकार के लिए कुछ कर रही है, अपने अधिकारों को पाने के लिए अगर वो कुछ कर रही है, तो उसको अधिकार ये नहीं कि उसको दिए जाए, वो उसके खुद के अधिकार है। वो किसी से बात करना चाहे या फिर किसी से शादी करना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को वो इनकार कर रही है तो आप उस पर एसिड अटैक करो, ये नहीं है। और ये भी नहीं कहा जा रहा है कि कोई अगर एसिड अटैक कर रहा है तो सरकार से ये नहीं कहा जा रहा है कि आप उसको कानूनन जो सजा है, मौत की सजा या फिर जो दंडनीय जो सजा हो, दंडनीय अपराध के लिए जो सजा होती है, घोर से कड़ी सजा होती है, वो उससे ये नहीं है कि आपका वो अपराध रुक रहा है, उससे अपराध कहीं ना कहीं किसी हद तक कम हो रहा है लेकिन वो बिल्कुल बंद नहीं हो रहा है। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वो इसी तरह के जो मैसेजेस हैं वो हर जगह फैलाए ताकि जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं वो इस तरह के घटनाओं को अंजाम ना दे। इसके क्या इफेक्ट होते हैं किसी की फैमिली पे, किसी लड़की पे, उस चीज़ को वो समझ पाए, इसके उस कारण वो अपने में बदलाव कर सके। जो आज नुक्कड़ नाटक हुआ था वो एसिड अटैक पर था और बीएड सेक्शन की छात्राओं ने इसको किया था। इसमें बीएड सेक्शन की शिक्षकों और छात्राओं का महत्वपूर्ण योगदान था। ये बहुत ही ज्वलंत सामाजिक मुद्दा है और महिलाओं के प्रति अत्याचार का एक विशेष तरीका है जिसका लोग उपयोग करते हैं महिलाओं को नीचा दिखाने के लिए, उन पर अत्याचार करने के लिए और उनसे अपनी इच्छा पूरा करवाने के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए। एक नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सभी हमारी जो छात्राएँ हैं उनके बीच ये बात रखी गई है कि किस प्रकार से अपने आप को सेफगार्ड करना है और अपने आप को, अपने शरीर को, अपने चरित्र को, अपने विचारों को बचा के रखना है। समाज तो कलुषित है लेकिन कुछ कलुषित समाज के जब अंग हैं तो स्वयं की रक्षा करने का भार भी हर लड़की का खुद ही भी जाता है। इसके माध्यम से यही एक संदेश देने का प्रयास किया गया है। समय एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। क्या आप बनना चाहते हैं टीवी रिपोर्टर? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का आईना? क्या आप दिखाना चाहते हैं अपनी प्रतिभा? क्या आप बनाना चाहते हैं अपनी पहचान? क्या आप बनना चाहते हैं समाज का प्रहरी? क्या आप बनना चाहते हैं झारखंड की आवाज? अगर आप में है वो क्षमता और जज्बा समाज हित में कुछ कर गुजरने का, तो आवेदन युक्त बायोडाटा व दो रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो के साथ कार्यालय में करें संपर्क। हम आपको देंगे आपकी पहचान का एक प्लेटफॉर्म। संपर्क करने के लिए आप आए प्रातः 11 बजे। हमारा पता है 4x4 4th floor आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com। क्या आप चाहते हैं कि आपका मोबाइल ही लाखों रुपए कमाने का माध्यम बने? क्या आप चाहते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अमीरों की सूची में आपका भी नाम हो? क्या आप चाहते हैं कि डिजिटल युग के बड़े बदलाव आपकी मुट्ठी में हो और काम चुटकी में हो? क्या आप चाहते हैं कि पृथ्वी का शक्तिशाली इंडस्ट्री में जुड़कर मल्टी लेवल का काम, नाम और धनोपार्जन करें? तो देर न करें, एक फैसला आपकी जिंदगी बदल सकता है। कॉल फॉर डिटेल्स इंक्वायरी 9334460888। आपके शहर जामाडोबा रमजानपुर में सजा है बाबा सुहेल साबरी का दरबार। खानकाहे साबिरिया दरबार में मन्नतें होती हैं पूरी, दुआ और दवा से होती है रूहानी व जिस्मानी इलाज। अगर आप भी रूहानी और जिस्मानी बीमारियों से है परेशान तो उसका है मुकम्मल समाधान, एक बार अवश्य पधारे। हमारा पता है बाबा सुहेल साबरी चिश्ती, खानकाहे साबिरिया जामाडोबा रमजानपुर धनबाद झारखंड। हमारा संपर्क नंबर है 9955487549 और 8271630505। मोबाइल रिपेयरिंग में है अच्छी कमाई, आज सीखें कल कमाएं। जब मोबाइल हो नई तकनीक का तो पुरानी तकनीक से कैसे बनेगा? चाइनीज टेक्नोलॉजी से मोबाइल रिपेयरिंग करना सीखें। डिस्काउंट ऑफर, एडमिशन ओपन, डेमो क्लासेस ट्यूसडे थर्सडे एंड सैटरडे, टाइम 9 AM। जानकारी के लिए इस नंबर पर करें कॉल या मिस्ड कॉल 07079955520। हमारा पता है टी केयर मोबाइल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अनिला मेंशन फर्स्ट फ्लोर,
भूस बंगलो नियर सालीमार बालू डोली झरिया सिंदरी रोड धनबाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। आम तौर पर जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर लोग अपनों के साथ जश्न मनाकर उस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन झरिया के रहने वाले एक दंपति अपनी सालगिरह पर कुछ ऐसा कर दिखाया कि वे और लोगों के लिए प्रेरणादायक बन चुके हैं। जी हाँ, झरिया के रहने वाले सुभाष और नेहा ने 9 साल पहले परिणय सूत्र में बंधे थे। उनकी 2 बेटियां हैं। आज ही के दिन वे लोग न तो केक काटकर और न ही किसी रेस्टोरेंट में जाकर अपनी सालगिरह मनाया, बल्कि धनबाद के जालान हॉस्पिटल में जाकर दोनों पति पत्नी ने रक्तदान किया। वहीं रक्तदान करते समय उनकी दोनों बेटियां भी साथ में थीं। अपने माता पिता पर गर्व करते दिख रही थीं। वही रक्तदान के बाद सुभाष ने बताया कि रक्त के अभाव में कईयों की जिंदगी चली जाती है, इसलिए हम दोनों पति पत्नी ने रक्तदान देने का मन बनाया और अपना अपना रक्तदान दिया, क्योंकि जरूरतमंद लोगों को सही समय पर रक्त मिल सके। वहीं सुभाष की अर्धांगनी नेहा ने भी बताया कि रक्तदान देकर उन्हें काफ़ी खुशी मिल रही है, वे समय समय पर अपना रक्तदान देते रहेंगे। हमारी शादी की सालगिरह है, इसलिए हम चाहते हैं कि ब्लड डोनेट करके किसी गरीब की मदद करें, किसी गरीब को हमारी ब्लड से कुछ फ़ायदा मिले। नेहा अग्रवाल। धनबाद न्यू टाउन हॉल के समीप ऑटो और टाटा इंडिका के बीच आमने सामने टक्कर हुई, जिसमें किसी के घायल होने की सूचना नहीं है, सिर्फ वाहन क्षतिग्रस्त हुआ। इस दुर्घटना के बाद घटना स्थल पर पुलिस पहुंची और दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को जब्त किया, कब्जे में लेकर जांच शुरू की। तब शराब का बोतल बरामद हुआ। ऑटो चालक नशे में रहने के कारण दुर्घटना को अंजाम दिया। इस घटना से साबित हो गया कि अधिकांश ऑटो चालक नशा का सेवन कर वाहन चलाते हैं। पुलिस समय समय पर ऑटो चालकों के खिलाफ औचक जांच चलाए, ताकि ऑटो चालकों में एक दहशत बन जाए और सड़क दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि यात्रियों की जिंदगी अनमोल है। इस प्रकार पुलिस अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करे। यह के न्यूज़ धनबाद की पुलिस से टर्न लिया यहाँ, उस टेम्पो के पहले एक गाड़ी क्रॉस किया, वो टेम्पो जो है बहुत स्पीड से वो टर्न लिया यहाँ पर और समझा नहीं, वो पलटी मार दिया इसी गाड़ी पर। कितने लोग हैं टेम्पो पर सवार? टेम्पो पर कितने लोग रहे होंगे? हम समझते हैं कि सब मिला करके 7-8 आदमी था, लेडीज लोग थे। तो उनको चोट लगा? एक लेडीज को चोट लगा कस के, और बाकी बच्चा सब बहुत चिल्ला रहा था, हमको हुआ कि कईये को चोट लगा होगा। तो एक्सीडेंट के बाद ऑटो वाला भाग गया? ऑटो वाला तो जब हमारी गाड़ी पर गिर गया तो हमको नहीं दबाया खोल सके, लेकिन वो उधर से निकल के भाग गया, निकल के भाग गया। उसके बाद ये लोग जो है इधर देखो, इधर देखिए, सीधा किए, तब वो लेडीज लोग उतर पाई। झरिया शहर में रैप जवानों ने फ्लैग मार्च किया। सिंदरी SDPO प्रमोद कुमार केसरी ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से फ्लैग मार्च करवाया गया, जिसका नेतृत्व SDPO ने स्वयं किया। क्या कारण है ये फ्लैग मार्च क्यों किया जा रहा है? ये कोई विशेष आयोजन ये कारण से नहीं हो रहा है, आपकी अब अपना फ्लैग मार्च हम लोग करा रहे हैं ताकि लोगों में सुरक्षा की भावना बढ़े। ये भूदूषण के लिए ही कर रहे हैं क्या सर? नहीं नहीं, वैसा भूदूषण घनवाटी भी सर ये नहीं, ये पब्लिक और सुरक्षा सेफ्टी के लिए अपना एक लोग का ड्रिल है CRPF के तरफ से रैप का, जिसके कारण ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। हमारा पता है 4x4 4th floor आस्था तारा मेंशन पॉलिटेक्निक रोड नियर कॉर्मल स्कूल धनबाद झारखंड। हमारा मोबाइल नंबर है 9431519609 और हमारा ईमेल एड्रेस है knewsdhanbad@gmail.com।